हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे जाड़े में ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। तो हम इसके लिए हमने आलू कच्चे ही लिए हैं। तो ये धनिया की पत्ती और मिर्च और लहसुन, बस इन्हीं चार पांच चीज़ों से हमें नाश्ते तैयार करने हैं। तो हम इसे पहले मिक्सी के जार में पीस लेंगे, या फिर आपके पास सिलबट्टे हों तो उससे भी आप पीस सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही झटपट से बन के रेडी होने वाला ये नाश्ता बहुत ही यमी बनता है। गाँव में इसे बहुत पसंद करते हैं। आई होप आपको पसंद आए, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आधे चम्मच हम जीरा लेंगे, आधी चम्मच मरीच, और इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो इसके बाद कढ़ाई में तेल ऐड करेंगे। तेल ऐड करने के बाद उसमें हम, जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, तो बस तड़का वगैरह कुछ नहीं ऐड करना है। उसके बाद हम डालेंगे मटर। मटर डालने के बाद जो आलू हमने कट करके रखा हुआ, आलू को एक आलू में चार स्लाइसेस करें ताकि बड़े बड़े रहें। तो इस तरीके से हम आलू को भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो मसाले हमने तैयार किए हैं वही मसाले हमें ऐड करने हैं। उसके अलावा हमें कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करना है। तो देखिए, ये अच्छे से जब अच्छे से ब्राउन हो जाए तो इसे दो मिनट के लिए आप ढक दें। ढकने के बाद, तो अभी इस तरीके से चलाते ही हुए पकाएं, उसके बाद ढक दें। दो मिनट के बाद उसमें जो मसाले ग्रेट करके रखे हुए हैं वही मसाले ऐड करना है। उसके बाद पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, और इसे अच्छे से ढक के बिल्कुल भी पाँच मिनट पका लेना है, क्योंकि ये नाश्ते इतने यमी और टेस्टी बनते हैं। सुबह सुबह चाय के साथ अगर घर वालों को खिला दिया जाए तो ये बहुत ही पसंद करेंगे। तो इस तरीके से आप भी बनाएं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए अपने फैमिली अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए, इसमें हमने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया, और ये बिल्कुल भी झटपट से बन के रेडी होने वाले। हमें तब तक ही पकाना है जब तक कि आलू हमारे अच्छे से हाथों से मसलने पे अच्छे से हो न जाए। तो देखिए, ये आलू हमारे अच्छे से मसलने पे अच्छे से ग्रेट हो जा रहे हैं। तो ये समझिए कि हमारे नाश्ते बिल्कुल भी बन के रेडी हो गए। तो उसके बाद हम बाउल में निकालेंगे, तो ये देखिए कितना अच्छा फ्लेवर और यमी टेस्टी होता है। तो इस तरीके से आप भी बनाएं, और वीडियो पसंद आए तो मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। तो देखिए, ये देखने में जब इतना यमी है तो खाने में कितना यमी होगा। तो आई होप आप भी ट्राई करें। तो अगली वीडियो में जरूर मिलूंगी, कुछ नया लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।